So question is from the chapter quadratic equations, or you can say from polynomials. So, दोनों chapters club करके question बन सकता है. So if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial f(x) equals to kx square plus 4x plus 4, such that alpha square plus beta square equals to 24. फाइंड द वैल्यू ऑफ के. ठीक है, बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है. बस कॉम्प्लिकेटेड इसलिए दिख रहा है क्योंकि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, पता नहीं क्या क्या दे रखा है, राइट. सो इसके लिए बहुत ही सिंपल एक कॉन्सेप्ट यूज़ होगा. पहले तो हम एक जनरल क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होता है, दैट इज एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना. दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ एन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसके लिए हम सम ऑफ जीरोस करते हैं, ध्यान होगा सबको. सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, ये फॉर्मूला है. एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इनटू बीटा, वो हमें पता है सी अपॉन ए होता है, राइट. अब इसी को हम इसमें अप्लाई करेंगे फॉर द गिवन पॉलिनोमियल. क्या पॉलिनोमियल गिवन है हमें? एफ एक्स इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर. नाउ गिवन पॉलिनोमियल के लिए दिस वैल्यू इज ए, फोर इज बी एंड दिस फोर इज सी, राइट. सो इस पॉलिनोमियल के लिए हम लोग कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा. क्या आ जाएगा? माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस फोर अपॉन ए. क्या होगा? के, माइनस फोर अपॉन के. एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आएगा हमारे लिए? अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, दैट इज फोर अपॉन के. नाउ ये दोनों चीजें यूज करके हमें इस एक्सप्रेशन में पुट करनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में. अब सर इसमें तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा बीटा, ये तो कहीं है ही नहीं. अब इसे हम जनरेट करेंगे इसमें. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को जनरेट करना है. अब वो कैसे करेंगे देखते हैं. बहुत ही इजी है. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये तो सबको पता होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर होता है, होता है कि नहीं? यहां कंटिन्यू करेंगे अब. सो हमें गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 24. नाउ कंसीडर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, क्या आएगा? ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी. सो इट विल बी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा. सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है, एंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें गिवन है. तो इन तीनों चीज़ों को हम पुट कर देंगे. सो व्हाट डज इट इम्प्लाइज? अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस फोर अपॉन के होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें गिवन है 24. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 24 गिवन है, प्लस टू इंटू अल्फा बीटा इज व्हाट? 4 अपॉन के. सो दिस कम्स आउट टू बी माइनस 4 का स्क्वायर, इट विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. 4 स्क्वायर इज 16. कई जने 8 लिख देते हैं, 4 2 8. ऐसे ब्लंडरस मिस्टेक मत करना, नहीं तो बोर्ड्स में इतने इजी से सवाल में भी हमें 4 मार्क्स लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा. के स्क्वायर क्या होगा? के स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू 24 प्लस 2 4 8 अपॉन के. तो नेक्स्ट हमें बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. अभी तो सिंपल पॉलिनोमियल बोल दो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन कह दो, अभी से हमें सॉल्व करना आता है. हमें एलसीएम लेना है, स्क्वायर्स ओपन अप करने हैं, इस इक्वेशन को एक सिंपल क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाके स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमें इसके जो है फैक्टर्स फाइंड आउट करने होंगे, राइट. सो कमिंग ऑन फ्रॉम दिस स्टेप, व्हाट डू वी गेट? वी गेट
16 अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल्स टू एलसीएम आ गया के, ऊपर क्या आ जाएगा के इंटू 24 के आएगा ना, के इंटू ट्वेंटी फोर के प्लस 8, एलसीएम लेना आता होगा राइट। सो नेक्स्ट इज क्रॉस मल्टीप्लाइंग, एक तरीका तो ये है। नाउ वी नो दैट एक्सप्रेशन का जो फर्स्ट टर्म है के एक्स स्क्वायर, के इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो, इट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो क्योंकि एक्सप्रेशन क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं। सो के से हम इसका स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज के इन टू के, दिस इज के इन टू के एंड दिस इज सिंपली के, तो के से इसका स्क्वायर कैंसिल हुआ, कमिंग ऑन टू 16 अपॉन के इज इक्वल्स टू 24 के प्लस 8 राइट। ये हमारी सिंपल इक्वेशन आ गई। सो नाउ क्रॉस मल्टीप्लाइंग वी गेट 24k into k, it will become 24k square plus 8 into k will become 8k equals to 16. Dividing the whole equation by 8, dividing the complete equation by 8, what do we get? 8 threes are, so 3k square plus k equals to 8 to the 16. Kaise kiya? Puri equation ko LHS and RHS, in dono terms ko humne 8 se divide kar diya, hume dikh raha hai, 24, 8 aur 16, tino hi 8 ki table mein aate hain. सो इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। नाउ ये एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसे हमें सॉल्व करना है। सो लेट्स सॉल्व दिस। फैक्टर्स सोचो, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल्स टू 0, फैक्टर्स सोचो। दो ऐसे नंबर हमें सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, 3 इंटू 2 दैट इज 6। नेगेटिव और पॉजिटिव? नेगेटिव। वाई? क्योंकि माइनस 2 है, 3 इंटू माइनस 2 होगा, जब 3 इंटू माइनस 2 करेंगे तो माइनस 6 आएगा राइट। सो वेरी इजी इक्वेशन हमारे सामने है, लेट्स राइट इट डाउन। इक्वेशन इज फाइनल 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दो नंबर सोचने हैं जिनका प्रोडक्ट क्या आ जाए, माइनस 6, और जिसका सम या डिफरेंस वॉट एवर इट मे बी, इट शुड बी 1, के का कोएफिशिएंट 1 है राइट। सो सॉल्व करेंगे, 3 टू ज़ा 6 होता है बट नेचुरल 3k माइनस 2k इज k। अच्छा माइनस 3k प्लस 2k क्यों नहीं हुआ, अगर यहाँ पे माइनस k होता तो हम माइनस 3k प्लस 2k लेते हैं। सो ये आ जाएगा 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। क्यों लिया 3k माइनस 2k, 3k माइनस 2k इज k राइट। सो कॉमन क्या आ गया है यहाँ पे, 3k ब्रैकेट में आ गया k प्लस 3k की जगह k आ गया एंड 3k कॉमन निकाला तो इट विल बी 1। नाउ नेगेटिव साइन अगेन कॉमन, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था आपको नेगेटिव साइन अगर कॉमन है, नेगेटिव के साथ एक 2 भी तो कॉमन है राइट। सो विल राइट माइनस 2, ब्रैकेट में क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा k, ये माइनस है, माइनस कॉमन निकाल दिया, सो प्लस 2, 1 ज़ा 2, सो 2 1 ज़ा 2 इक्वल्स टू 0। नाउ दोनों ब्रैकेट्स देखो, ये दोनों ब्रैकेट्स हमेशा सेम आने चाहिए, अगर नहीं आ रहे हैं तो कुछ करो जिससे दोनों ब्रैकेट्स सेम आ जाएं। सो k प्लस 1 इंटू 3k माइनस 2 इक्वल्स टू 0, नाउ आइदर k प्लस 1 इक्वल्स टू 0 और 3k माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो व्हाट डू वी गेट, k इक्वल्स टू माइनस 1 एंड k इक्वल्स टू माइनस 2 बाय 3। सो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे सामने, k इक्वल्स टू माइनस 1 एंड माइनस 2 बाय, सॉरी इट विल बी नॉट माइनस 2, इट विल बी प्लस 2, माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। सो सिंपली k इक्वल्स टू माइनस 1 एंड k इक्वल्स टू 2 बाय 3 इज द फाइनल आंसर। सो हियर अगेन दिस इज मैथोलिक्स, सो कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल टू गेट मोर एंड मोर वीडियोज। By this weekend, we'll be uploading at least 10 or 12 videos related to quadratic equations, trigonometric identities, and application of trigonometry. So, thanks again. Bye-bye.